Hi everyone, welcome back to my channel and welcome to this new look. Yes, मैं 15 days पहले haircut कर ली हूँ. I know आप लोग को इतना अच्छा नहीं लगेगा. बहुतों को मेरे लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे. But for a change मैंने haircut किया है and कोई बात नहीं, बाद में grow भी हो जाएगा. So yeah, आज का ये जो video है मैं आपको मेरे साथ indoor plant shopping के लिए लेके जा रही हूँ. दो ये जो मौसम है ये काफ़ी अच्छा मौसम है सीजनल प्लांट्स के लिए. विंटर में सीजनल प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है. बट मेरा ये जो घर का लोकेशन है यहाँ पे सफिशिएंट सनलाइट नहीं आता है. आप जो भी प्लांट्स ले जैसे सीजनल प्लांट उससे एटलीस्ट 8 आवर्स का सनलाइट चाहिए होता है. तो यहाँ पे वो थोड़ा सा अच्छा सनलाइट नहीं आ रहा है एंड बहुत ज़्यादा फॉग भी है. तो जब सनलाइट आता है इट्स ऑलमोस्ट नून. उसके बाद मेरे बैल्कनी में उतना सनलाइट नहीं आता है. तो मैं सीजनल प्लांट बिल्कुल नहीं ले रही हूँ. मैं सिर्फ इंडोर प्लांट्स लूँगी एंड मैं पहले से सोच रखी हूँ मुझे क्या क्या इंडोर प्लांट्स चाहिए. आई होप वो सब मुझे मिल जाए. अगर मिल जाएगा तो या ट्रीट हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो फिर आई विल वेट एंड कहीं और से मैं परचेज़ करने की कोशिश करूँगी. एंड वन मोर थिंग, मैं अपने सारे पॉट्स लेके जा रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैं कुछ पॉट्स लाई थी जिसके प्लांट ख़राब हो गए हैं. तो वही पॉट्स मैं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज वो नर्सरी से ला के यहाँ पे पॉटिंग करना वो थोड़ा मेरे से इतना अच्छा काम नहीं करता है. उसके बाद मेरे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं या फिर उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं होते हैं. तो मैं वही नर्सरी में सारे पॉट्स लेके जा रही हूँ, वहीं पर पॉटिंग वगैरह करके मैं लेके आऊँगी. तो अगर आपके पास भी ऐसे एम्प्टी पॉट्स हैं, अगर आप नर्सरी जा रहे हैं उसे ही यूज़ करने की कोशिश कीजिए. ताकि क्या होगा कि घर में वो प्लास्टिक पॉट्स के वो क्लटर जमा भी नहीं होंगे एंड वही पॉट्स को आप रीयूज़ करते रहेंगे. सो नाउ लेट्स गो टू द नर्सरी एंड लेट्स सी मुझे क्या क्या प्लांट्स मिलते हैं. Got some really good plants और अभी मैंने सारा चीज़ यहाँ पे load कर दिया है. Now let's just head back home and I guess क्या क्या plant लिया है उसका video तो मैं आज कर नहीं पाऊँगी. It's too late and it's very very cold. 9 degrees तो हो ही गया होगा. So let's get back home and I'll try to film today or else कल film करूँगी. सो बैक टू होम और मैं अपना बीनी पहन ली हूँ बिकॉज इट्स वेरी वेरी कोल्ड. बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है एंड मैं जब नर्सरी में भी थी एंड पेड़ लेके आ रही थी तो इतना ज़्यादा ठंड था. मैं वहाँ पे पूरा एकदम हो रही थी जल्दी हो जाओ और मैं घर जाऊँ. बट आते आते थोड़ा सा डार्क हो गया है एंड अभी लाइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी. तो इसको मैं कल फिल्म करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि एग्जैक्टली मैं क्या क्या पेड़ लाई हूँ एंड उसे किस तरह से मेंटेन करना है वो भी मैं बताऊँगी. बिकॉज मैं नर्सरी वाले भैया से पूछ के तो आई हूँ एंड थोड़ा बहुत मेरा भी आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सो या ये वीडियो को मैं कल कंटिन्यू करती हूँ. सो गाइज दिस इज सेकेंड डे और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या प्लांट्स लेके आई हूँ
और उसे मैं कैसे केयर करूँगी, मतलब नर्सरी वाले भैया मेरे को किस तरह से बताए हैं कि कैसे केयर करना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक स्पाइडर प्लांट है। तो ये मैं एक हैंगिंग पॉट में लगाई हूँ। ये हैंगिंग पॉट ऑलरेडी मेरे पास था तो मैं लेके गई थी, जैसे मैं कल आपको बताई थी कि मैं सारे अपने पॉट्स लेके जा रही हूँ, वहीं पे पॉटिंग करा के लेके आऊँगी। बिकॉज मेरे से पॉटिंग कराने में मेरा प्लांट इतना अच्छा ग्रोथ नहीं करता है। तो यहाँ पे दो हैंगिंग पॉट में मैं स्पाइडर प्लांट लगाई हूँ एंड ये इंडोर है, इसे ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए। तो मैं इसे इंडोर में तो नहीं रखूँगी, मैं अपने बैल्कनी में ही रखूँगी बिकॉज बैल्कनी में इतना ज़्यादा सनलाइट नहीं आता है। सो आई होप वहाँ पे अच्छे से ग्रो करे। सो इसमें मैं ज़्यादा वाटरिंग नहीं करूँगी बिकॉज ये सॉइल में कोकोपीट भी ऐड है। तो कोकोपीट क्या करता है, आप अगर पानी दें तो वो मॉइस्चर इंटैक्ट रखता है और ज़्यादा आपको वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो इसके रूट्स ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं सॉइल में थोड़े से कोकोपीट मिक्स की हूँ तो इसमें मैं वाटर कम दूंगी। जब भी मुझे ड्राई लगेगा तभी ही मैं पानी दूंगी, एक्स्ट्रा वाटरिंग नहीं करूँगी। सो हैंगिंग पॉट में मैं दो स्पाइडर प्लांट लगवाई हूँ और एक मैं बोली थी जैसे मैं सीजनल प्लांट बिल्कुल नहीं लाऊंगी, बट यहाँ पे डोंट माइंड, ये पॉट थोड़ा सा गंदा है बिकॉज वो नर्सरी में थोड़ा सा गंदा लग गया। यहाँ पे मैं लेके आई हूँ एक सीजनल प्लांट, या इसमें शायद पिंक फ्लावर्स होंगे। तो इसको ज़्यादा सनलाइट की नहीं ज़रूरत है बोल के मेरे को भैया ने पकड़वाया है, बट मुझे नहीं पता है कि ये कैसा ग्रो करेगा। आई होप जितना सनलाइट उसे चाहिए उसे मिल जाए एंड ये अच्छे से ग्रोथ करे, बिकॉज प्लांट जब ख़राब हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटिंग लगता है एंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसे ग्रो करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर मेरे बैल्कनी में अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ तो इसे मैं कोई अच्छे सनलाइट के प्लेस में रखूँगी ताकि इसके फ्लावर्स अच्छे से हो पाए। तो थर्ड वाले हैंगिंग पॉट में मैं एक सीजनल प्लांट लाई हूँ एंड बाय द वे इसका फूल कैसा दिख रहा है ये मैं डेफिनेटली इंस्टाग्राम में पक्का शेयर करूँगी, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक, मेरे पास ये हंस वाला छोटा सा प्लांटर था, इसके अंदर मैं सेक्युलेंट लाई हूँ। इससे पहले भी मैं सेक्युलेंट्स लाई थी, करीबन 10 सेक्युलेंट्स लाई थी पर मेरे एक भी सर्वाइव नहीं कर पाए। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि इन्हें पानी ज़्यादा नहीं देना है, मैं पानी दे के उसके रूट्स को पूरा स्पॉइल कर दी थी। बट अब की बार मैं एक ही लाई हूँ एंड पूरी कोशिश करूँगी इसे अच्छे से सर्वाइव कराने का। तो सेक्युलेंट्स की जो पॉइंट है कि इसे आप ज़्यादातर वाटरिंग ना करें, सॉइल थोड़ा सा खाली मॉइस्ट रहे बट वाटरिंग बिल्कुल भी ज़्यादा ना करें, और सनलाइट की ज़रूरत नहीं है बट थोड़ा सा लाइट वाले एरिया में रहे। जैसे यहाँ पे मेरे जो ये लिविंग रूम है यहाँ पे सफिशेंट लाइट आता है बट सनलाइट डायरेक्ट नहीं आता है, तो आई होप यहाँ पे वो अच्छे से ग्रो करे। अब उसके बाद मैं लाई हूँ एक क्रोटॉन, पहले भी मेरे पास एक क्रोटॉन था और उसमें नए लीव्स आ रहे हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इसमें लीव्स ग्रो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे और एक क्रोटॉन लेके आई हूँ, इसमें भी नए लीव्स आ रहे हैं तो आई होप यहाँ पे वो अच्छे से बड़ा हो और न्यू लीव्स आए। तो अगेन मैं क्रोटॉन एक लेके आई। सो क्रोटॉन इज़ द बेस्ट अगर आपके बैल्कनी में बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आ रहा, सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रहा है बट देन थोड़े बहुत ब्राइट लगती है तो क्रोटॉन वहाँ पे अच्छा ग्रो करेगा। उसके बाद अगर आप मेरा प्लांटर वाला वीडियो देखे हैं तो ये वाला पॉट आप जानते होंगे, इसे मैं DIY की थी। तो इसमें मैं लगवाई हूँ ये ग्रीन चिलीज एंड अगर आपको दिख रहा है तो इसमें चिलीज हुए हैं, दो चिलीज हुए हैं। तो इससे पहले भी मैं ग्रीन चिलीज़ का एक प्लांट लाई थी बट देन वो भी विंटर का टाइम था और सनलाइट अच्छी नहीं आ रही थी तो मेरा वो ख़राब हो गया। बट इसे मैं दूसरी वाली बैल्कनी में रखूँगी जहाँ पे सफिशिएंट सनलाइट आ रही है एंड उसमें फ्लावर्स भी है, तो आई होप यहाँ पे वो ग्रो करे एंड सनलाइट इसे सफिशिएंट मिले। एंड मुझे वेजिटेबल ग्रो कराना बैल्कनी में बहुत ही अच्छा लगता है। इससे पहले मैं पुदीना भी लगवाई थी एंड मम्मी जब आई थी तो धनिया भी लगाई थी, तो मुझे बहुत ही क्यूट सा लगता है कि अपने बैल्कनी से चीज़ें लाओ एंड यूज़ करो। तो मैं आपके पास ग्रीन चिली लाई हूँ, आई होप ये सर्वाइव करे एंड ग्रीन चिलीज अच्छे से हो। सो या
one pot for green chilies. तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं अगेन मेरा DIY वाला पॉट में मैं लाई हूँ एक इंडोर प्लांट. इसका मैं नाम नहीं जानती हूँ. इसके येलो लीव्स भी आते हैं एंड आई गेस रेड लीव्स भी आते हैं. इस प्लांट का नेम मैं नेट में सर्च करने की पूरी कोशिश करूँगी. अगर मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगी. तो ये वाला इंडोर प्लांट मैं लेके आई हूँ एंड इस वाले पॉट में ये काफ़ी क्यूट सा लग रहा है. उसके बाद मैं एक लेमन ग्रास का प्लांट लेके आई हूँ. लेमन ग्रास अगर आप लेमन टी वगैरह में या फिर राइस में भी अगर ये पत्ता एक डाल दे तो वो फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है एंड खुशबू काफ़ी अच्छी आती है. तो उसका मैं एक प्लांट लाई हूँ अगेन मेरे DIY वाले पॉट में. तो अभी मैं ये सबको यूज़ कर रही हूँ एंड इसमें मैं लेमन ग्रास लगाई हूँ. उसके बाद मैं लाई हूँ दो और प्लांट और वो मेरा सबसे फेवरेट है तो उसे मैं लास्ट के लिए रखी थी. सो सबसे पहले इस बड़े वाले प्लांट में मैं मॉन्स्टेरा, आई गेस मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ बट समहाउ मैं यहाँ पे लिख दूँगी. सो ये प्लांट मैं लेके आई हूँ. इसके लीव्स मैं एक बार दिखा देती हूँ, मेरे ऊपर बहुत हैवी हो रहा है. तो इसके लीव्स कुछ इस तरह से कटे कटे से होते हैं. ये प्लांट काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में है, बहुतों के पास मैंने देखा है एंड काफ़ी खोजने के बाद मुझे फाइनली नर्सरी में मिला. एंड कल मैं जो मेंशन की थी कि मैं जो सोची हूँ वो प्लांट मुझे मिल जाए, यही प्लांट था. इसे मैं बहुत ढूंढली एंड फाइनली ये मेरे पास है. ये काइंड ऑफ मनी प्लांट है तो ये क्रिप करता है तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक मॉस्टिक ऐड की हूँ ताकि वो ऊपर क्लाइम करे. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लीफ में कटा हुआ है, बाकी लीफ में अभी वो धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तब वो कट का शेप आता है. तो नॉर्मल अभी ऐसे अगर आपको नहीं दिख रहा है, लेट मी शो यू. तो अभी ये नॉर्मल लीफ है बट थोड़ा सा जब बड़ा होगा वो इस तरीके से कट्स हो जाएंगे इसमें. ये काफ़ी फेवरेट प्लांट है मेरा. मुझे इसको और ज़्यादा ग्रो करने का बहुत मन है. आई होप ये और ज़्यादा लंबा हो एंड मैं कोशिश करूँगी और भी ये प्लांट को मैं अपने घर में पूरा भर दूँ. सो या मैं ये प्लांट लेके आई हूँ एंड जानबूझ के मैंने एक बड़े से पॉट में रखा है ताकि वो अच्छे से ग्रो करे. उसके बाद मैं लाई हूँ ये फिग प्लांट और इसके लीव्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं. ये भी काफ़ी ट्रेंड में है तो इसे मैं लेके आई हूँ. इसके लीव्स अभी थोड़े से गंदे दिख रहे हैं क्योंकि मैंने अभी तक सारे प्लांट्स में वाटरिंग नहीं किया है. तो अभी मैं करूँगी एंड सारे लीव्स को थोड़ा सा वॉश करके बालकनी में ही रखूँगी कुछ दिन. उसके बाद मैं इंडोर्स लाऊँगी एंड ये जो लाइट है इसके लिए सफिशेंट होगा आई गेस. मैंने कभी ये प्लांट को पहले नहीं रखा है तो होप ये मैं जो जिस टेक्निक से ग्रो करना चाहती हूँ ये सर्वाइव कर जाए. सो ये है फिग वाला प्लांट अगेन मेरे DIY वाले प्लांटर में. सो या दिस वॉज इट. सो ये सारा प्लांट मैं कल नर्सरी से लेके आई हूँ एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है प्लांट कलेक्ट करना. ये मेरा पहले शौक नहीं था. जब मैं घर पे थी झाशरा में, जब मम्मी गार्डनिंग करती थी तो मुझे इतना शौक नहीं होता था मैं कुछ प्लांट को ग्रो होते हुए देखूं या कुछ करूं. बट नाउ इट्स सो थेरेप्यूटिक और मुझे इतना अच्छा लग रहा है जब मैं प्लांट शॉपिंग में जाती हूं. एंड मोर देन एनीथिंग अगर मैं कोई क्लॉथिंग शॉपिंग में इतना ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आता जितना मुझे प्लांट शॉपिंग में अब लग रहा है. सो या अगर आपको प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं या आपको गार्डनिंग का शौक है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर दीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करती हूँ. नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो 2019 का मेरा लास्ट वीडियो आएगा एंड दैट विल बी वेरी वेरी स्पेशल और वो वीडियो का बिल्कुल मिस मत कीजिएगा. तो इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय एंड टेक केयर.